जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। आप अपने स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। अगर आप पानी को हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दो, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ ना आए तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वो अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना यह हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मित्री होना समय की बात है। और जो मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहे, यह कर्म की बात है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्य का पता करना। अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने पूरे दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाए। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका सत्यवादी होना। जो व्यक्ति अपने जिंदगी को बुद्धिमानी के साथ जीता है, उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगता। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के बताए हुए बातों पर चलता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य के लेखक स्वयं ही है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। जो हमारे सामने है वो हमें दिखता नहीं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकती। बस इसे तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत फैसले की जरूरत है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती। ब्राह्मण ना तो जटाओं से होता है, ना जन्म से और ना ही गोत्र से। जिसमें सत्य धर्म और जो पवित्र है, वही सच्चा ब्राह्मण है। जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है, उसको हमेशा अपने साथ रखे, क्योंकि वही आपकी गलतियों को आपको बता सकता है। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द से आप दुखी होते हैं या नहीं, ये केवल आपके हाथ में है। यदि आप नेक लोगों के संगत में हैं, तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति को जड़ों को हिला देता है। प्रत्येक अनुभव हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए प्रत्येक अनुभव आवश्यक है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रहे। हर अनुभव
कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हैं। जिसके पास ये तीन चीज है, उसे कोई हरा नहीं सकता। ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। एक में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही जो इंसान के ईश्वर की याद दिलाता। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाती। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि को प्रयोग करता है। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं, तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली गई तो मुक्ति। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आप अपने जीवन का उद्देश्य बना दीजिए। काम बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसा रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वह वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्न के उत्तर चाहिए, तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और कहते रहिए राधे राधे।